मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब सोशल मीडिया पर और भी सक्रिय होगी। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया पर अब नफरत वर्सेस मोहब्बत कैंपेन चलाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस से जनता को जोड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया आर्मी बनाई है। इस आर्मी में नए सदस्य जोड़े जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया टीम को भरोसा दिया कि सरकार बनते ही आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे। भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई, अत्याचार, किसान, बेरोजगारी, युवाओं, महिलाओं के मुद्दे कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस से जुड़ा कंटेंट रोजाना लाखों लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, ऐसा किसी ऐप की चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुख्य रूप से आज हम सबका एक इंट्रोडक्शन था। सारे जो हमारे पुराने जो पदाधिकारी थे, सबसे इंट्रोडक्शन था। आज इंट्रोडक्शन हुआ है और साथ ही साथ ये तय हुआ है कि आने वाले समय में नई कार्यकारिणी हमें गठित करनी है। और जो जनता, जो भारतीय जनता पार्टी के राज में जो परेशान है, जिसके काम नहीं हो रहे, 20 साल से इनकी सरकार है, जो वादे इन्होंने जनता से किए थे पिछले चुनाव में, जिस पे अभी तक कोई अमल नहीं किया, इस सबको हम सबको आगे निकाल कर लाना है। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग इसके लिए आगे काम करेंगे कि कैसे जनता की आवाज़ को हम ऊपर ला सकें और मजबूती के साथ ला सकें। इस दिशा में हम सबकी मीटिंग आज हुई। बिल्कुल, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में फैलाया और हम सबका काम है कि अब प्रदेश में भी इस मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, मोहब्बत के साथ हम सब काम करेंगे। और जो नफरत भारतीय जनता पार्टी की है, जो जनता से नफरत, जो वादे करते हैं और निभाते नहीं, इससे बढ़ के कोई नफरत नहीं हो सकती। इसलिए इसको दूर करके और मोहब्बत का पैगाम पूरे प्रदेश में हम सब लोग फैलाएंगे और राहुल गांधी जी की बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोशल मीडिया नव संचार कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सोशल मीडिया के नव नियुक्त अध्यक्ष नितेंद्र सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित सोशल मीडिया के समन्वयक और कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे।